पुनरुत्थान की घटना भाग दो, वेदाचार्य। ज्यादा पंडिताई ना करो, हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं। शक्ति दोबारा प्रकाश गति से जाकर गुलाब जामुन ले आती है। वेदाचार्य, देव तैसज समागम में दरस्तुम, 1 किलो जलेबी अर्पित कीजिए। ध्रुव, ये बुड्ढा पगला गया है, अब इस दोपहर में जलेबी कहाँ से लाए। तिरंगा, पगलाया नहीं है, इसके अंदर का वास्तविक पंडित जाग गया है, वो पंडित जो जजमान से दम पर खान पान रुपया पैसा वसूलते हैं। शक्ति, अरे जो भी हो, भुगतना तो मुझे पड़ रहा है, बार बार उड़ान भरने पे सांस फूल जाती है, ऊपर से 1-2 मक्खी खुले मुंह में चली गई सो अलग। किसी तरह पूजा संपन्न हो जाती है और इसी बीच हेडक्वार्टर के दरवाजे से अंदर झांककर एंथनी नागराज को बुलाता है। अब आपको यहाँ पे ये बता दें कि एंथनी दरवाजे के बाहर खड़ा क्या कर रहा है। एक्चुअली हुआ ये था कि वेदाचार्य ने एंथनी को पूजा से बाहर रहने को कह दिया था, क्योंकि वो एक मुर्दा है और मुर्दे का पूजा में रहना अपशकुनीय है। एंथनी को बुरा तो बहुत लगा, लेकिन बेचारा क्या कहता, आखिर वो वेदाचार्य थे। नागराज, अरे तू यहाँ क्या कर रहा, चल निकल, दादाजी के जाते तुझे बुला लूंगा। एंथनी, हाँ वो सब छोड़, दक्षिणा के साथ मेरी लाई ये नई धोती दादाजी को दे देना, बस यही देने आया था। नागराज, वाह यार, दद्दू ने तुझे अपमानित किया और तू उनके लिए धोती लाया, क्या नेक दिल है तेरा। पूजा संपन्न कर दादाजी सबसे एक एक कर दक्षिणा में पैसे और नागराज से धोती ले वापस अपने घर चल दिए। घर पहुंच शक्ति ने पहुंचाया, कर दद्दू ने जम के जलेबी गुलाब जामुन और रसगुल्ला चबाए और साथ ही नई धोती भी पहन ली। इधर दादाजी धोती पहने उधर एंथनी ठहाके लगाने लगा, ध्रुव क्या हुआ तुझे। एंथनी, मैंने उस बुड्ढे की धोती को खुजली पाउडर से नहला दिया था, प्रिंस ने अभी देख बताया कि वेदाचार्य ने धोती पहन ली है। एंथनी की बात सुन रक्षक मंडली को भयानक गुस्सा आया, वो सब गुस्से में एंथनी की ओर बढ़े। एंथनी को लगा आज उसकी बैंड बजने वाली है, पर सब के सब रक्षक एंथनी से लिपट के ठहाके लगाने लग पड़े। ऐसी हरकत की उम्मीद एंथनी से किसी नहीं थी, वैसे भी सब वेदाचार्य की पंडिताई से परेशान हो गए थे। इधर रक्षक मंडली ठहाके लगा रही थी और उधर दादाजी खुद को खुजा रहे थे, वो भी प्रकाश की गति से। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा है आप लोगों को ब्रह्मांड रक्षकों का पुनरुत्थान अच्छा लगा होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं ब्रह्मांड रक्षकों की किसी अगली फनी कॉमेडी में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।